हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी लूपिंग स्टेटमेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है जंपिंग स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, जंपिंग स्टेटमेंट क्या होती है? टू अल्टर द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस विद इन द लूप्स, मींस लूप के अंदर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को अल्टर करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हम जिस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जंपिंग स्टेटमेंट। और जंपिंग स्टेटमेंट में हमारे पास फोर स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो एक बार देखते हैं इसको। टू अल्टर द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस विद इन द लूप, सी लैंग्वेज प्रोवाइडर्स विद फोर जंप स्टेटमेंट्स। ईच ऑफ द जंप स्टेटमेंट इज यूज टू अल्टर द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। दीज जंप स्टेटमेंट आर ब्रेक, कॉन्टिन्यू, रिटर्न एंड गो टू। ठीक है फ्रेंड्स, वही है। जंप स्टेटमेंट क्या होती है? टू अल्टर द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए या अल्टर करने के लिए हम बोल सकते हैं। और हमारे पास फोर जंप स्टेटमेंट होती है, ब्रेक, कॉन्टिन्यू, गो टू एंड रिटर्न। ये फोर हमारे पास जंप स्टेटमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन हम हर एक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। देखो फ्रेंड्स, ब्रेक स्टेटमेंट, व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज होती है, मीन्स प्रोग्राम को, उस लूप को एंड पे ले आती है, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज इन स्विच स्ट्रक्चर विद द केस कीवर्ड। हमने स्विच स्टेटमेंट में भी ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करा था विद केस कीवर्ड। मीन्स वैसे तो हम हर स्टेटमेंट में क्या यूज कर रहे थे? कर्ली ब्रेसेस, मीन्स हर कंडीशन के साथ कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। बट स्विच स्टेटमेंट में हमने कर्ली ब्रेसेस सिर्फ स्विच स्टेटमेंट की स्टार्टिंग और एंडिंग में यूज़ किया था। केस खत्म होने के बाद हम किसका यूज़ कर रहे थे? ब्रेक स्टेटमेंट का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वहाँ भी यूज़ होती है। और इसका सिंटेक्स क्या होता है? ब्रेक सेमी कोलन, सिंपल है। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो फ्रेंड्स, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों हेडर फाइल हो गई। उसके बाद है मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद इंट लिया, डाटा टाइप आई है वेरिएबल। फिर हम फोर लूप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके अंदर आई को वैल्यू दे रहे हैं। आई की वैल्यू हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? वन से। और हम क्या कह रहे हैं? लेस देन इज इक्वल टू फाइव होनी चाहिए, और एवरी टाइम आई प्लस प्लस होता रहे। अब हम क्या कह रहे हैं? इफ़ आई इज इक्वल टू थ्री तो ब्रेक, मीन्स जब आई की वैल्यू थ्री होगी तो ब्रेक हो जाए, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। और प्रिंट क्या करवाना है हमारे को? आई की वैल्यू ही प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो आई की वैल्यू हम यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1, 2, 5, ठीक है, यही है ना। तो देखो अब आउटपुट क्या आया हमारे पास? 1 और 2, ठीक है। ये आउटपुट क्यों आया हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 क्यों नहीं आया? क्योंकि हम प्रिंट तो आई की वैल्यू करवा रहे हैं, और आई की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 5 है। तो ऐसे क्यों आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने 3 के बाद, आई इज इक्वल टू 3 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया। तो वो क्या करा उसने? प्रोग्राम को एंड पे ले आई, मीन्स 1, 2 तक तो लूप चला, और उसके बाद नहीं चला, वो लूप को एंड ले आई, टर्मिनेट कर दिया उसने, लूप को ख़त्म कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे यूज होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज टू स्किप सर्टेन स्टेटमेंट ऑफ द लूप। जब किसी भी स्टेटमेंट को हमें लूप के अंदर स्किप करना होता है, लूप के अंदर से किसी भी एक स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट को, कितनी भी स्टेटमेंट को स्किप करना होता है, तो हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इट स्किप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर रिटन बिलो द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। मीन्स हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के नीचे जिस स्टेटमेंट को भी लिखेंगे, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी? उस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन स्किप कर देगी, उसको छोड़ देगी, उसको प्रिंट ही नहीं करवाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? कॉन्टिन्यू और सेमी कोलन। अब हम देखते हैं इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल। देखो फ्रेंड्स, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारे को पता है हेडर फाइल होती है। उसके बाद है मेन फंक्शन, इंट ले लिया हमने डाटा टाइप, और आई ले लिया वेरिएबल। अब हम यहाँ पे भी फोर लूप यूज़ कर रहे हैं और सेम वैल्यू दे रहे हैं। वहाँ हमने आई इज इक्वल टू के बाद, थ्री के बाद ब्रेक का यूज़ करा था, ब्रेक स्टेटमेंट का। और यहाँ यूज़ क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट।
तो डिफरेंस क्या आएगा आप देखना फ्रेंड्स, और प्रिंट वही करवा रहे हैं सेम आई की वैल्यूज। अब आई की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, बट इसने आउटपुट हमारे को क्या दिया, 1, 2, 4, 5, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा था कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या यूज़ किया, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में क्या करा, इस वाली स्टेटमेंट को, इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ये कंडीशन थी 3 वाली, इसको स्किप करा दिया, इसको स्किप करा के आगे चलेगी 1, 2, 4, 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्किप कराने के लिए किसी भी स्टेटमेंट को हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट आर यूज टू जंप फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर, मीन्स अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट का कंट्रोल ट्रांसफ़र कराना होता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पे कंट्रोल ट्रांसफ़र कराना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, गो टू स्टेटमेंट का। बाई यूजिंग गो टू स्टेटमेंट वी कैन जंप एनी वेयर इन द प्रोग्राम। गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से हम प्रोग्राम के अंदर कहीं भी जंप कर सकते हैं, कहीं भी कंट्रोल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। यहाँ लेवल का मीन है स्टेटमेंट से, ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स एक स्टेटमेंट से हम दूसरे स्टेटमेंट में जंप कर सकते हैं, कंट्रोल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। तो देखो एक पिक्टोरियल इसका फ्लो चार्ट ऐसे, ठीक है, देखो स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब हमने क्या करा, 1 को कह दिया कि गो टू लेवल 3, मीन्स हमने फर्स्ट लेवल का कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र करा दिया, थर्ड पे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, ये है इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं इसका सिंटेक्स, जो कि क्या है, गो टू लेबल, मीन्स एक लेबल से हम दूसरे लेबल पे जा रहे हैं, गो टू फर्स्ट लेबल का नेम और यहाँ सेकंड लेबल का नेम, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं इसके लिए एक एग्जांपल। देखो फ्रेंड्स, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों हैं हमारी हेडर फाइल, और उसके बाद क्या है, मेन फंक्शन। इंट आई, इंट है डाटा टाइप, आई है वेरिएबल, फोर लूप का यूज़ कर रहे हैं हम। I की वैल्यू क्या लिया, 1, और लेस देन इज इक्वल टू 7, मीन्स I की वैल्यू क्या है, 1 से 7 के बीच में है, और एवरी टाइम क्या हो रहा है, I प्लस प्लस। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ़ I इज इक्वल टू 3, 3, जब I की वैल्यू क्या होगी 3, 3, तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, गो टू व्यू, व्यू लेवल पे, व्यू स्टेटमेंट पे वो ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। और प्रिंट क्या करवानी है हमें, I की वैल्यू। तो व्यू यहाँ पे, व्यू स्टेटमेंट जो है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि प्रिंट करवा दो, लूप इज़ कम्प्लीटेड। तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू 3 के बाद हमने क्या कहा है, गो टू व्यू, तो ये इस स्टेटमेंट पे आएगा ही नहीं, इसको छोड़ देगा, ठीक है, इसको छोड़ देगा, इस स्टेटमेंट पे नहीं आएगा, गो टू व्यू के कह रहे हैं ना, तो गो टू व्यू के बाद ये सीधा व्यू पे आएगा, और हमारे को क्या प्रिंट करवाएगा, आई की वैल्यू क्या, 3 से पहले क्या थी, 1 और 2 थी, तो 1 और 2 प्रिंट करवाने के बाद ये सीधा व्यू स्टेटमेंट पे आएगा, और प्रिंट क्या करवा देगा, लूप इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। ये बीच वाली जो प्रिंट करवा रहे हैं ना हम स्टेटमेंट, ये इसको छोड़ देगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका इसलिए यूज़ होता है कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए, जहाँ भी हम करना चाहें लूप के अंदर। तो फ्रेंड्स, लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, रिटर्न स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद फंक्शन, फंक्शंस के साथ यूज़ होती है टू रिटर्न सम वैल्यू, ये हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करती है, ठीक है। तो इसको हम हमेशा फंक्शंस के साथ यूज़ करते हैं, तो इस टॉपिक को हम फंक्शन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जब हमारा फंक्शन का टॉपिक आएगा, क्योंकि अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो आपको फंक्शंस तो अभी आते नहीं, तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको सिंपली यही याद करना है, रिटर्न स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, टू रिटर्न सम वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज का टॉपिक था हमारा जंपिंग स्टेटमेंट का। ओके फ्रेंड्स।